हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और इस टाइम धूप में बैठे होंगे, है ना। और फ्रेंड्स, ये मेरी 10 तारीख क्लिप है, यानी 10 दिसंबर की, और दिन है फ्राइडे। और ये मैं क्लिप ने 11-12 बजे से स्टार्ट की थी, और क्योंकि बेटी थी नहीं और बहुत रो रहा था बाबू, तो बस वहाँ पे मैं साफ़ कर ली थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और बाबू भी परेशान कर रहा था, तो वही मैं बता रही थी कि रोटी भी बनाना है, बाबू भी रो रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर इधर मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी जल्दी जल्दी, कि मुझे स्नान भी करना था। और क्या बताऊँ मैं, और मुझे अभी एडिटिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, मत पूछिए। इधर का क्लिप उधर, उधर का क्लिप उधर हो जा रहा है। और फिर ये मैं मैगी बना रही थी खुद के लिए, कि मैगी बना के खा लूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और फिर ये सोयाबीन बनाई, मतलब सब चीज़ बना करके रख दी थी, उसके बाद स्नान करने लगी थी। तब तक देखिए बेटी अभी भी स्कूल ना से आ गई सात थी। बज गए, अभी तक नहीं आए हैं। मैं सुबह से ऐसे ही बैठ के इंतजार कर रही, मैं सोची ड्यूटी से जल्दी आ जाएंगे तो जाएंगे आज कहीं घूमने, बट नहीं आए। कोई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, यही है लाइफ हम लोगों की, थोड़ी सी भी खुशियाँ नसीब नहीं है ना, जरा सा भी खुश रहना चाहो तो हो जाता है ऐसे। तो जाने दीजिए, और आज है मेरा बर्थडे, इंजॉय करते हैं ऐसे ही। चलिए ठीक है। और फिर इसके बाद इंतज़ार करते करते आखिर में ये लेकर के चले आए थे बैलून और केक। बस सिंपल सा किए थे, ज़रूरी नहीं था उतना एथी करना, बस हम लोग अपने आप में ही किए थे। और बाबू उधर सोया था और ये बैलून फुला रहे थे। मुझे नहीं फुला पाती हूँ मैं, मुझे ना बहुत गाल दर्द देने लगता है, तो मैं नहीं फुला पाती। और अगर कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा आँख भी उतना ही दर्द कर रहा है। बस फिर भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ कि नहीं, मुझे आप लोग के पास भेजना है, आप लोग को भी दिखाना है, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए।
केक कट चुकी काट ली थी और यहाँ पे इनको मैं पैर छू रही थी। मैं बोली थी अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा और आप सब भी मुझे विश कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे मैं फिर बोल बेटी को खिलाने लगी और जो बस कुछ नहीं, बस एक दो इसकी फ्रेंड थी बेटी की, तो उन लोग को भी मैं खिला दी। बस तीन ही लोग थी तो उन लोग को भी खिला दी कि लो तुम लोग भी खा लो खुद से। और ये देखिए बुग्गू को खिला रहे थे तो खा नहीं पा रहा था, ओए ओए करने लग रहा था। और फिर यहाँ पे फिर मैं सबको काट काट कर और टॉफ़ी और बस जो बनाई थी वो खीर थोड़ा थोड़ा डालकर मैं फिर इन सबको दे दी थी कि ले लो खाओ। तो कोई खाया नहीं, सब बोले कि आंटी मैं घर ले जाऊँगी घर ले जाऊँगी। बोले ओके ठीक है लेके चली जाओ घर। फिर इन लोग को थोड़ा सा मम्मी पापा के लिए भी मैं भेज दी थी और आप लोग भी खा लीजिए आकर, आप लोग के लिए भी मैं रखी थी। और ये मैं यहाँ आप लोग के लिए निकाली कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी तो चाहिए, तो निकाली कि आप लोग भी आकर खा लीजिए। और फिर मैं इधर पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी और रोटी, और फिर ये मैं थोड़ा सा खीर बना ली थी क्योंकि खुशी के मौके पे मीठा सूप होता है बनाना, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे हस्बैंड जी आप हमको विश कर दीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू।